and Shahrukh knew something is wrong because I was literally standing and I was going to cry. And so he said, like, take a break, everybody. And he took me into his van where I've sobbed for 1 hour. दोस्तों शाहरुख खान एक बार फिर से फराह खान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म फराह खान के साथ हो सकती है। हालिया मन्नत में शाहरुख खान ने फराह खान के साथ मुलाकात भी की है और शाहरुख खान चाहते हैं कि फराह खान दोबारा से शाहरुख खान के लिए ओम शांति ओम जैसी स्क्रिप्ट को लिखें और बहुत ही जल्द शाहरुख खान एक बार फिर से फराह खान की डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवी की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हालिया दिनों शाहरुख खान की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि अभी तक शाहरुख खान की किसी भी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ऑडियंस भी वेट कर रही है कि विक्रम राठौर के बाद एक बार फिर से हमें एक्शन अवतार में शाहरुख खान दिखे, क्योंकि जवान और पठान के एक्शन के बाद हर कोई चाहता है कि शाहरुख खान दोबारा से एक्शन मूवीज ही करें, क्योंकि डंकी ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया था। एक्शन मूवीज का आजकल काफी ज्यादा क्रेज है और शाहरुख खान से अच्छा एक्शन हीरो और कोई भी बॉलीवुड में नहीं है जो कि 1000 करोड़ की कलेक्शन कर पाए। शाहरुख खान भी चाहते हैं कि अपने ऑडियंस के लिए एक बार फिर से एक्शन मूवीज की बहुत बड़ी सीरीज तैयार की जाए, जिसमें पहले नंबर पर शाहरुख खान धूम 4 को रख रहे हैं, दूसरे नंबर पर पठान 2 देखने को मिल सकती है और भाई तीसरे नंबर के ऊपर पैंथर, जो कि लोकेश कनगराज के द्वारा डायरेक्ट की जाएगी, इस मूवी की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उसी के साथ अब यह भी न्यूज आ रही है कि भाई शाहरुख खान के साथ फराह खान भी एक स्क्रिप्ट को शेयर करने वाली है और बहुत जल्द फराह खान के साथ शाहरुख खान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये एक ओम शांति ओम की टाइप की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर शाहरुख खान दीपिका दोबारा से हमें रोमांस करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसमें एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये एक्शन के मामले में भी बहुत ही डेंजरस और टिपिकल कहानी रखी जा सकती है। दोस्तों आप फराह खान और शाहरुख खान के इस कोलैबोरेशन के बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को फराह खान के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग सारी मूवीज की अपडेट को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे ही शाहरुख खान के अपकमिंग मूवीज की सारी अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।